एबीपीएस न्यूज़। आगे बढ़ते हुए एबीपीएस न्यूज की ट्रेन ब्लॉक छजलैट स्थित रसूलपुर चौहरा गांव पहुंची। लगभग 8,000 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 5 किलोमीटर ही है। वर्तमान समय में इस गांव की प्रधान जालिसा है। जालिसा की यह ग्राम पंचायत लगभग 2600 की वोटर संख्या वाली है, वहीं राशन कार्ड धारकों की संख्या मात्र 540 ही दिखाई दी। प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि गांव में उनके द्वारा 45 हैंडपंप भी लगवाए गए हैं, जिससे ग्रामीणों को पेयजल आपूर्ति के लिए किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। साथ ही बिजली की व्यवस्था दुरुस्त करने के उद्देश्य से गांव में लगभग 300 बिजली के पोल व 4 बिजली के ट्रांसफार्मर भी लगवाए गए हैं। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि गांव में आने वाले सभी तरीके के लाभ जैसे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन व विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत ग्रामीणों को ग्राम प्रधान द्वारा पूरा लाभ मुहैया कराया जाता है। जब एबीपीएस न्यूज टीम ने ग्राम प्रधान द्वारा कराए गए कार्यों की समीक्षा की तो पाया कि उनके द्वारा गांव में सीसी सड़कों का निर्माण कराया गया है, वहीं शौचालय यानी इज्जत घर का निर्माण करवा कर भी ग्रामीणों को वितरित किया गया है, जिससे गांव को शौच मुक्त बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत व इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आने वाले सभी पात्रों को आवास भी वितरित किए जा चुके हैं। साथ ही गांव में स्वच्छता की व्यवस्था बनाए रखने के लिए सड़कों किनारे कूड़ेदान की भी व्यवस्था प्रधान द्वारा कराई गई है एवं नालियां भी प्रधान द्वारा दुरुस्त करा दी गई हैं। एबीपीएस न्यूज टीम के माध्यम से प्रधान प्रतिनिधि ने केंद्र सरकार व राज्य सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द उनके गांव में फंड मुहैया कराया जाए, जिससे उनके गांव में सड़कों, स्वास्थ्य केंद्र, जल नगर निगम आदि की व्यवस्था की जा सके। उन्होंने बताया कि उनके गांव में अभी तक एक भी पंचायत भवन भी नहीं है, जिससे ग्रामीणों को खासा परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। वहीं ग्रामीणों ने भी कैमरे के सामने आकर प्रधान के कार्यों की समीक्षा की और बताया कि वर्तमान प्रधान विकास कार्य में अपनी बेहतरी प्रदर्शित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रधान द्वारा कार्य बेहद अच्छे तरीके से किया जा रहा है, लेकिन जब तक राज्य सरकार द्वारा पैसा नहीं पहुँचाया जाएगा तो प्रधान भी काम कहाँ से कराएगा। मैं ग्राम प्रधानपति डॉक्टर नौशेखा, ग्राम रसूलपुर छोरा। मेरी न्याय पंचायत जो है वो फूलपुर है और ग्राम पंचायत जो है रसूलपुर छोरा का है। डाकखाना सदरपुर है, तहसील कांट है हमारी, जिला मुरादाबाद है, ब्लॉक छजलैट है। हमारे गांव की समस्याएं हैं कुछ, जैसे कि यहाँ पे आबादी के हिसाब से 8,000 की आबादी के हिसाब से जो सड़कें हो जानी चाहिए थी, जो नाली होनी चाहिए थी, उसमें थोड़ी पैसे की कमी चल रही है। सरकार की तरफ से अगर पैसा आए तो हम उसको अच्छा काम करके दिखाएं। जो पैसा हमें मिलता है तो हमने सड़कें करके दिखाई हैं। यहाँ पे केंद्र सरकार से हमें शौचालय 150 शौचालय यहाँ बनवा दिए हैं और प्रधानमंत्री योजना आवास, जिसमें हमारे गाँव को गांव रसूलपुर चौरा में हमारे 6 आवास मिले थे इतने बड़े गांव की आबादी में। आवास यहाँ पे जो है कम से कम 100 आवास होने चाहिए थे गरीबों के लिए, 6 उसमें से 6 आवास मिले हैं और 6 आवास में हमें 2 आवास से बनने के लिए पैसा आया है। बाकी 4 आवास हमारे बाकी जो पैसा नहीं आया वो बने भी नहीं है। और यहाँ पर थोड़ी सी समस्याएँ हैं हमारी। मेरा नाम मोहम्मद अजहरुद्दीन, निवासी ग्राम रसूलपुर चौहरा, जिला मुरादाबाद का रहने वाला हूँ। यहाँ पर प्रधान जी ने कुछ सड़कें बनवाई हैं और शौचालय बनवाए हैं। जैसे जैसे पैसा आता रहा वैसे काम कराया है। गांव में विकास भी हुआ है बहुत अच्छा। सीसी चैनल से लगवाई हैं जहाँ तहाँ लोगों में।